वेलकम टू आवर चैनल एच पी एजुकेशन हंट तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2016 का ही टेट मेडिकल ये सेकंड वाला है और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो आपको मिल सके तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यह है बॉटनी एंड जोलॉजी सेक्शन इस वीडियो में हम सिर्फ बॉटनी और जोलॉजी सेक्शन ही डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज़ नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पैरापोडिया पैरापोडिया जो है आर्थ्रोपोडा में नहीं होता इसमें होता है काइटनस एक्सोस्केल्टन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन और जॉइंटेड अपनडिजिज ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया तो हीमोफिलिया क्या है ये है एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन तो ये होता है लैक्टोस और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हॉर्मोन्स एज नॉट एंटाग्नेस्टिक टू ईच अदर तो इसका होगा डी ऑप्शन ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट कौन सी स्टेज में होती है ये ये होती है पैकेटिन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑबिटेंड फ्रॉम ये होता है थर्मस एक्विटिकस से और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ होमोलोगस टू द विंग ऑफ ए बर्ड तो होमोलोगस ये हमने पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है होमोलोगस क्या होता है इसमें होता है सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन स्ट्रक्चर तो सेम होगा बट जो उनके फंक्शंस होंगे वो अलग अलग होंगे तो so, इसमें हुआ ये फ्लिपर ऑफ भेल ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन डी और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब इसमें हमें मैच करना है ये है डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या होती है इन्हें हिट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इट्ल्फ एक ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो होता है डोमिनेंस। और को डोमिनंस होते हैं कि जब दोनों जो एलियल्स जो हैं एक्सप्रेस करेंगे ठीक है इन्हें हिटरोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील्स एक्सप्रेस दैमसेल्ड फुल्ली प्लियोट्राफी होता है ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मैनी करैक्टर्स और पोलीजीनिक होता है मैनी जीन्स गवर्न अ सिंगल करेक्टर सो आवर बी बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ द प्लाज्मिड तो इसमें क्या है डी सिंगल स्ट्रैंडेड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीविनोम इंजेक्शंस कंटेन परफॉर्म्ड एंटीवायोडिक बिच सॉरी वायल पोलियो ड्रॉप्स दैट आर एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू दी बॉडी कंटेन तो क्या कंटेन करती हैं वो एनुएट पैथोजेंस एट पैथोजेंस ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो इसमें जो होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी स्टार्टर कोडोन स्टार्टर कोडोन कौन सा होता ये होता है ए यू जी नेक्स्ट है इन हायर बटीब्रेड द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस ड्यू टू जेनेटिक एवनॉर्मैलिटी एंड इट अटैक्स सेल्फ सेल्स देन इट लीड्स टू ये करेगा ऑटो इम्यून डिजीज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग कौन सी है ग्लू ए है हमारा सुक्रोज इज़ ए डाई ये करेक्ट है ए वाला जो बी है वो है सेलुलोज इज ए पॉली ये भी ठीक है नेक्स्ट यूरोसिल इज ए पीरामिडिन ये भी ठीक है तो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है डी ग्लाइसिन इज ए सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉमन क्लेचर इज नॉट गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोम क्लेचर तो इसका होगा ए बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटर्न इन एनी लैंग्वेज उनको जो है किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते ठीक है नेक्स्ट है इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय इससे होता है सिक्रीट पेराइटल सेल्स जो पेराइटल सेल्स हैं उसको ऑक्सिंटिक सेल्स भी बोला जाता है पेराइटल सेल्स को ठीक है नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ बिच गैस इन द एटमोसफियर कैन लीड्स टू तो एन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर तो ये है ओजोन ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है एच आई वी अटैक्स बिच ऑफ द फॉलोइंग तो है टी हेल्पर सेल्स ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो पिछले वीडियोस में हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्ट्रिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमेटिक सेल तो इसका होगा डी नेक्स्ट है टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन किसमें होता है ये ये हाइब्रिड एक्स और रिसेसिव पेरेंट्स में ठीक है तो इसका होगा बी नेक्स्ट है बोन रिलेटेड विद स्कल इज इसको बोलते हैं टेरिगोइड सी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट है एलोजोम्स आर दी नेम ऑफ एलोजोम्स किसके नेम है सेक्स क्रोमोजोम को बोला जाता है एलोजोम्स ठीक है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट है डॉक्टर्स यूज थेटोस्कोप टू हेयर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल द सेकेंड साउंड इज हेर्ड भैन जब क्या होता है सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू बेसल्स फ्रॉम बेंट्रिकल ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट है क्रिस्टल्स ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय वैसिलस थ्यूरिजेंसिस डू नॉट किल बैक्टीरिया दैमसेल्फ बिकॉज टॉक्सिन क्या होता है टॉक्सिन इज इनएक्टिव सी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइडल बोलियम इज टाइडल वॉल्यूम क्या होता है ये होता है एक्सचेंज ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा ए uh, ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फर्स्ट एक्सपीरेशन तो इसको क्या बोला जाता है इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम ठीक है अब नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ एयर इनड जो सी वाला है ये वॉल्यूम ऑफ एयर इनल्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन तो इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और जो डी है ऑप्शन ये है वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सिबली एक्सपेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन तो इसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ठीक है अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर्स ऑफ एसो टू पोल्यूशन इन इन्वायरमेंट है लाइकन्स नेक्स्ट है इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स मेंटल डिड नॉट यूज क्या नहीं किया था पॉड लेंथ इसका डी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट है फॉलोइंग जॉइंट्स वुड अलो नो मोमेंट तो देते हैं फाइब्रस जॉइंट्स नेक्स्ट है बिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्रेन बाउंड ये है आइवोरॉम ये भी प्रीवियस जो हमने कर रखे हैं उसमें है रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी नेक्स्ट है पार्ट ऑफ फाइपर वेरिएबल रीजन ऑफ ऑन द एंटीबॉडी दैट वाइन्ट्स द एंटीजन इज उसको बोलते हैं पैराटॉप नेक्स्ट है क्रिटिकेल फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप हैज़ बीन ओबिटेन बाई क्रॉसिंग वीट विद किसके साथ इसका होगा ऑप्शन ए राई नेक्स्ट है कॉम्प्यूटेड टोमोग्राफी यूज़ डैश रेस टू जेनरेट अ थ्री डी इमेज ऑन इंटरनल ऑर्गन तो यह है इसका बी एक्स रेस नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर शुड हैव बी ओ डी लेस देन बी ओ डी होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो कितनी होनी चाहिए इसका है ए वन पी पी एम नेक्स्ट है एंजाइम यूज टू चेक द एंडराइज सेल्फ लाइजेशन ऑफ बैक्टर डी एन ए मोलिक्यूल ड्यूरिंग क्लोनिंग प्रोसेस इज ये होता है एल्केलाइन फोस्फेट ऑप्शन डी और नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेन परसेंट लॉ इज रिलेटेड टू ये रिलेटेड है इनर्जी ट्रांसफर फ्राम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट है चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी इज लोकेट इन ये है उड़ीसा में नेक्स्ट है मीनावता डिजीज इज कॉस्ड बाय इससे होता है ये मर्करी से ऑप्शन डी ऑप्शन बी इज करेक्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लिटोरिस इन फीमेल इज कैसा है ये है होमोलोगस टू मेल पेनिस ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट है एमिनोसेंटिसिस बास बैंड अंडर प्री डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट विच वॉज एनफोर्स्ड इन ये था नाइनटीन नाइन्टी फोर में नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्लिंट बोन ऑफ फोर एंड हाइंड लिम्स ऑफ हॉर्स आर बेस्ट इज ये है सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन सी नेक्स्ट है फर्स्ट ह्यूमन टाइप टू यूज फायर इज ये है होमो इरेक्टस पिकेंसिस ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट है माइटोकोंड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस एस पोजेस क्या करता है ये पोजेस टी एन ए प्लस आर एन ए प्लस राइबोसोम्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ माउथ पार्ट इन हनी बी इज़ हनी बी के माउथ पार्ट किस टाइप के होते हैं ये होते हैं लैपिंग टाइप के और जो ए ऑप्शन है सकिंग टाइप सकिंग टाइप में आ जाते हैं हमारे मॉस्किटोज बग्स और एफिड्स नेक्स्ट है साइफोनिंग टाइप सा, जो सी है साइफोनिंग टाइप के होते हैं इसके बटरफ्लाइज के एंड मॉथ्स के और अब बचा स्पॉन्जिंग टाइप जो स्पॉन्जिंग टाइप के होते हैं वो होते हैं हाउस फ्लाइज के और जो अदर कोई फ्लाइज होती हैं उनके ठीक है और जो हनी के होते हैं वो होते हैं लैपिंग टाइप में तो so, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई दक्चर तो ये किसका स्ट्रक्चर है ये है यूरासिल का स्ट्रक्चर यूरासिल का ऑप्शन बी इज करेक्ट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स ऑफ डीज ये साइकल आर प्रेजेंट इन जिसमें प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट है करेक्ट सेक्ट ऑफ करेक्ट सेट ऑफ फाइलम क्लास है एंड एग्जाम्पल इज़ ये है ए इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट है विच वन इज करेक्ट एज पर वाइनोमियल नोम नॉमन क्लेचर तो ये होगा ये वाला ऑप्शन सी सोलेनम मिलानो चैना इसको इस तरह से लिखा जाता है नेक्स्ट है डार्क बैंड आर कौन से होते हैं ये होते हैं ए बैंड ए बैंड बोलते हैं डार्क बैंड नेक्स्ट है वट कनेक्ट मसल टू बोन कौन कनेक्ट करता है मसल टू बोन को ये करता है टेंडन बट अगर हम बात करें बोन टू बोन तो वो लीगामेंट होता है लीगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन ठीक है नेक्स्ट है इन ह्यूमन ब्रेन कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट क्या कनेक्ट करता है ये टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स ऑप्शन सी नेक्स्ट है सेलवॉल कंसिस्ट ऑफ ये है डी लिग्न इन हेमी पैकेटिन एंड सेलुलॉस ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी फर्स्ट मार्च ऑप्शन सी इज़ करेक्ट लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन ये है कोलकाता में बोटेनिकल नेम ऑफ ब्रिंजल इसका है सोलेनम मेलोगना नेक्स्ट है एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ आयर प्लांट एंड फंजाई इस कार्ड इसको बोलते हैं माइको राइजा कंपोनेंट ऑफ सेल वाल ऑफ फंजाई इसकाइटेनिया भी रिपीटेड है अब नेक्स्ट है फ्लोरल फॉर्मूला फॉर मस्टर्ड इज मस्टर्ड के लिए ये होता है ऑप्शन बी इसका है ई ब्रैक्टिट हर्माफ्रोडाइट कैलेक्स टू प्लस टू करोलाफोर एंड्रोशियम टू प्लस फोर और गाइनोशियम टू इसका बी ऑप्शन करेक्ट है अब नेक्स्ट है रूट डिवल्प फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल आर कार्ड को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट है सेल वॉल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक नेक्स्ट क्वेश्चन है बोटैनिकल नेम ऑफ लेमन इज बोटैनिकल नेम लेमन का बोटैनिकल नेम है सिट्रस लेमन नेक्स्ट है सर्कुलर एंड नेक डी एन ए मोलिक्यूल कार्ड प्लास्टीडोम आर फाउंड इन किसमें होते हैं ये क्लोरो प्लास्ट में ठीक है तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली जो भी नोटिफिकेशंस है वो मिल सके थैंक यू फ्रेंड्स